अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहुसत किस चीज़ में है? क्या दिनों में नहुसत होती है, या किसी ख़ास रात के अंदर नहुसत होती है, क्या महीनों के अंदर नहुसत होती है? देखिए, ना तो दिनों में नहुसत होती, ना किसी रात में नहुसत होती, ना किसी महीने के अंदर नहुसत होती, और ना किसी साल में नहुसत होती। नहुसत इंसान की बदअमली के अंदर होती है। ज़माने जाहिलियत के अंदर भी लोग ऐसे ही समझते थे, वो अपनी बदअमली की तरफ नहीं देखते थे, अपनी नाफरमानियों की तरफ नहीं देखते थे, बल्कि महीनों के साथ, दिनों के साथ, तारीखों के साथ, रातों के साथ नहुसतों को जोड़ देते थे कि आज हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आज नहुसत वाला दिन है, या इस चीज़ में नहुसत है, या इस चीज़ से ये चीज़ होने वाली है। देखिए भाई, इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता। इस्लाम इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए ही आया है कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। सब कुछ करने वाला, बनाने बिगाड़ने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इसके अलावा किसी चीज़ से कुछ भी नहीं होता, अल्लाह से होता है। तो इंसान को अपनी बदअमली की तरफ देखना चाहिए। अगर अल्लाह के सामने अच्छे आमाल पेश करेगा तो इसका दिन अच्छा बनेगा, रात भी अच्छी बनेगी, साल भी अच्छा बनेगा, महीना भी अच्छा बनेगा। और अगर ये अल्लाह के सामने बदअमलियाँ करता रहेगा, नाफरमानियाँ करता रहेगा, तो फिर इसकी रात दिन सब बेकार होते चले जाएंगे। इस हवाले से मैंने पहले भी आप हजरात के सामने चंद बातें रखी थी, आज भी इंशाअल्लाह चंद बातें आप हजरात के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत गौर से सुनिएगा और इन पर अमल करने की कोशिश करिएगा, और इन सारे तवाहुमात में से खुद को भी और अपने बच्चों को निकालने की ज़रूर कोशिश करना। पहली चीज़ लोग क्या कहते हैं, पहली चीज़ मैंने नोट की थी, लोग कहते हैं कि जब इंसान की आँख फड़कती है तो उस वक्त ये मैसेज होता है कि अब आपको या तो कोई खुशी मिलेगी या फिर कोई गम मिलेगा। किसी की आँख फड़क रही है तो आपने भी सुना होगा, कई आसपास के लोग कह देते हैं कि अब तुझे या तो कोई खुशी मिलेगी और या कोई गम मिलेगा। और इससे भी आगे बढ़कर, अगर दाई फड़क रही है तो ये मिलेगा, बाई फड़क रही है तो ये मिलेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है और ये अकायद को ख़राब करने वाली बात है। ऐसा अकीदा रखना बिल्कुल गलत है, ऐसे अकीदों से खुद को बचाना चाहिए। आँख के फड़कने ना फड़कने से इन खुशी और गमी का कोई ताल्लुक नहीं है। खुशी और गम का ताल्लुक अल्लाह की तकसीम से है और इंसान के अपने आमाल से है। दूसरी चीज़ लोग कहते हैं कि अगर ज़मीन पर तुमने गर्म पानी डाल दिया तो वो हिस्सा जहाँ वो गर्म पानी डला है, रोज़े क़यामत तुम्हारी पकड़ करेगा कि तुमने इससे ज़मीन को तकलीफ़ दी, चाहे फिर किसी से नादानी में डल जाए या फिर कोई जानबूझकर डाल दे। देखिए, पानी को ज़ाय करना ये एक गलत चीज़ है, पानी ज़ाय नहीं करना चाहिए। पानी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर किसी ने किसी उज़्र की वजह से ज़मीन पर पानी डाल दिया तो इससे अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होने वाली। हाँ, पानी को ज़ाय करने से ज़रूर बचना चाहिए। तीसरी चीज़ लोग कहते हैं कि अगर ज़मीन पर नमक तुमने फेंक दिया, या ज़मीन पर नमक आपके हाथ से छूटकर गिर गया, थोड़ा बहुत गिर गया, रोज़े क़यामत तुम्हें वो नमक आँख की पलकों से उठाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे हाथ से ज़मीन पर नमक गिरा, तो कई लोग दस्तरखान पर बैठे हुए भी ये बात कह देते हैं कि इस नमक को उठा लीजिए वरना रोज़े क़यामत आँखों की पलकों से उठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पानी के ताल्लुक से अभी बताया, ऐसे ही नमक की भी बात है। नमक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ज़ाय नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर गिराना नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात के साथ ही नमक को निकालना चाहिए। लेकिन अगर गिर जाए तो अल्लाह के यहाँ इस चीज़ पर कोई पकड़ नहीं होने वाली। हाँ, ये अलग बात है कि हर नेमत का अल्लाह के यहाँ हिसाब होने वाला है, लेकिन इस तरीके से इंसान को डराना कि अब ज़मीन पर नमक गिर गया तो आखिरत में पलकों से उठाना पड़ेगा, तो फिर आदमी इससे वहमी बन जाता है, शक का मरीज़ बन जाता है, इसलिए इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। नंबर चार, बहुत से लोग अंगूठियां पहनते हैं कि ये फुला पत्थर है, ये फुला पत्थर का है, ये उस पत्थर का, ये उस चीज़ का बना हुआ है, और बहुत से पत्थरों से इंसानों ने बहुत से अकीदे ख़राब कर लिए। देखिए, इंसानों की ज़िंदगी पर पत्थरों से कोई असरात नहीं पड़ते, पत्थरों के कोई असरात नहीं पड़ते। मैंने शुरू में ही कहा
انسان کی زندگی پر اثرات جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کے اعمال کے پڑھنے والے، کہ جیسے اللہ کے سامنے اعمال پیش کرے گا ویسے ہی اللہ پاک اس کی زندگی کو بنائیں گے، اچھے کرے گا اچھے بنائیں گے، برے کرے گا تو پھر اس کی زندگی بری ہی بنتی چلی جائے گی اور بیکار بنتی چلی جائے گی۔ تو پتھروں سے انسان کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو کوئی عامل بتائے، کوئی بابا بتائے، وہ بالکل غلط باتیں بتاتے ہیں، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ نمبر پانچ، کیا کرتے ہیں لوگ، جب خاص طور سے عورتیں جب مصلی پر نماز پڑھتی ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر چلتی ہیں تو وہ اس کا ایک کونا موڑ دیتی ہیں، فولڈ کر دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو اس وجہ سے فولڈ کیا، اس پہ شیطان آ کر نماز پڑھے گا۔ شیطان اور نماز آ کر پڑھے، پھر شیطان رہے گا کیسے؟ آپ انسان خود بھی اپنا سینس لگا سکتا ہے، خود بھی انسان تھوڑی سی اپنی عقل لگا سکتا ہے کہ بھائی شیطان، پھر شیطان تھوڑا ہی کہلاتا اگر وہ آ کر عبادت کرتا، اس نے پہلے بے شک عبادت کی، وہ شیطان بنا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، تو وہ شیطان بھلا مصلی پہ آ کر اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرے گا؟ وہ اللہ کا اور انسانوں کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، تو شیطان مصلی پر آ کر نماز کیوں پڑھے گا، اس کا کیا مطلب؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر آدمی اس کو فولڈ کر دے تاکہ مصلی گندا نہ ہو، بچے اس کو آ کے گندا نہ کرے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال شیطان نماز اس پر آ کر نہیں پڑھتا، یہ غلط عقیدہ ہے، اس عقیدے سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر چھ، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پاؤں پر پاؤں رکھ لیتا ہے تو وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اس طریقے سے پاؤں پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی اگر آدمی انگلیاں چٹکا لیتا ہے، بے شک انگلیاں چٹکانا ایک اچھا عمل نہیں، مکروہ ہے، لیکن پھر انگلیوں کے چٹکانے پر لوگ جو اس کو عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں تو وہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ ایسے جب آدمی کوئی جمائی لیتا ہے اس سے بھی عجیب عجیب باتیں جڑی ہوئی ہیں، تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، ان ساری باتوں سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہیے، ورنہ ان سے عقائد کی خرابی آتی ہے اور انسان اپنے لیے توہمات کے دروازے کھول بیٹھتا ہے اور شک کا اور وہمی مریض بن جاتا ہے اور اسلام کو پھر بڑا مشکل سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اسلام بہت آسان ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان ساری باتوں سے انشاءاللہ نکل کر صحیح دین صحیح اسلام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آیا کریں تو آپ کسی بھی اپنے قریبی معتبر عالم سے دریافت ضرور کیا کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، انشاءاللہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے، آپ کو صحیح سمجھائیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے غلط عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب مولانا فرمان نسیم ٹو گیٹ مور ویڈیوز۔